हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि कुछ भाइयों के मैसेज आ रहे थे मेरे पास, कबूतर कैसे ट्रेन करना है। मैं आज आपको बताऊंगा कबूतर कैसे ट्रेन करना है। सबसे पहले हमें इतना बड़ा बच्चा लेना पड़ेगा, 19-20 दिन का बच्चा लेना पड़ेगा, इतना बड़ा जितना बड़ा यह है। और कमज़ोर नहीं होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। कुछ लोगों के मैसेज आ रहे थे कैसे ट्रेन करना है, कैसे नहीं करना है। ये मेरा पार्ट वन है, आप देख सकते हैं ये बच्चा है, इसको हम ट्रेन करेंगे। ये पार्ट वन की वीडियो बना रहे हैं। कुछ भाई लोगों के मैसेज आ रहे थे मेरे पास, देखो ये कितना बेताब है। ये अभी तो ऐसे भागेगा जैसे कि बस कहीं किसी शिकारी के पास आ गया हूँ। अभी पहला पहला दिन है इस बच्चे का, आप देखते जाइए आगे आगे। इसकी दूसरी ट्रेनिंग में हम आपको बताएंगे ये कैसे दाना मांगता है हमारे पास। देखते रहिए एंड तक, लास्ट तक जुड़े रहिए वीडियो में। ये बच्चा है देखो, अभी ऐसा कर रहा है जैसे कि जैसे बस छोड़ दो, हट जाओ, बच जाओ, बस मुझे जाने दो, ऐसा करेगा अभी ये पहले पहले दिन। हमें जो है ना इसके मुंह में इस तरीके से दाना डालना है, ये चैनल लेना है इस तरीके से पकड़ के, ये चैनल एक एक दाना मुँह में डालना है ये इस तरीके से, ताकि से पता चल जाए। हाँ जी, खिलाने वाले इसके माँ बाप हम ही हैं। अभी देखो आज ये पहली पहली ट्रेनिंग है, आज डर के भागेगा बहुत ही। ये देखिए इस तरीके से हमें जो है ना इसके मुंह में दाना, ये एक चैनल दिया इस तरीके से। और सबसे मेन बात ये बता दूं मैं, जब शुरू में बच्चा लेना है पूरा दिन भूखा रखना है, रात को 9 बजे अकेले कमरे में लेकर ट्रेन करना है। ये मेरा पहला पार्ट है, आप लोग सभी अच्छे से देखिए और लास्ट तक वीडियो में जुड़े रहिए। इसका नाम रखा है हमने चांद, देखते जाइए आप, इसका नाम हमने रखा है चांद, इसे चांद कहकर बुलाएंगे हम, ठीक है। और सबसे मेन बात ये है इसे पानी कैसे पिलाना है। पानी जो पिलाना है ना हमें, जो पानी पिलाना है पता कैसे पिलाना है, ये एक सिरिंज लेनी है, इतनी बड़ी छोटी वाली सिरिंज आती है 5 ml की, इससे पानी पिलाना है रात को जो 9 बजे। पूरे दिन के बाद हमें मजबूरी है और भूखा रखना पड़ता है, इसके लिए हमें ऐसा करना पड़ता है, ठीक है, वरना तो ये हिलेगा नहीं हमारे पास। और ये सबसे मेन बात मैं बता दूं, इसके दौरे कोई नहीं होने चाहिए कोई भी। और इसे जैसे कि अपने कमरे में रखना है और ढककर रखना है, दूसरा बंदा कोई नहीं देखना चाहिए, कोई नहीं, किसी को नहीं दिखाना है। जब तलक लो आप पर ये आपको समझ नहीं ले तब तलक लो जो है ना किसी को नहीं दिखाना, ढक के रखना है, कमरे में रखना है, ठीक है। नहीं पानी जो पिलाना है ना ये इस तरीके से पिलाना है, मैं बता देता हूँ। सिरिंज ले लेना है ऐसे, इस तरीके से पकड़ना है बच्चे को और इस तरीके से पानी डालना है इसको, ये बड़े आराम के साथ पानी पी लेता है इस तरीके से, ठीक है। और सबसे मेन बात मैं बता देता हूँ, किसी को भी जो है ये बच्चा नहीं दिखाना है, सिर्फ आपके अलावा और कोई नहीं देख सकता, ठीक है। नहीं यह है पार्ट 1 की ट्रेनिंग हमारी, अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय लोगों, ठीक है।